नमस्कार दोस्तों, आज हम पर्यावरण का अध्ययन शुरुआत करेंगे, जिसमें आज हमारी दूसरी क्लास है। इसमें हम देखेंगे पर्यावरण क्या है, पर्यावरण कैसे कैसे, और जो पर्यावरण है वो हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे कि पर्यावरण का एक डायग्राम के माध्यम से कैसे समझा जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे कि अब हम पढ़ते हैं पर्यावरण, पर्यावरण पर्यावरण क्या होता है, इसका अगर अलग अलग करके देखें तो इसका अंतर होता है परिधन आवरण। परिधन आवरण जो जो हमारा पर्यावरण है वो क्या है, वो है एक हमारा एनवायरनमेंट का एनवायरमेंट का एक हिंदी रूपांतरण शब्द है पर्यावरण, और इसका संधि विच्छेद जो है वो होता है परिधन आवरण। परि का मतलब होता है हमारे ऊपरी हिस्सा और आवरण का मतलब होता है ढका हुआ। तो यानी परिधन आवरण का मतलब होता है जो हमारे ऊपर से हमारे चारों तरफ से जो ढका हुआ है वो हमारा एक पर्यावरण है। तो कुल मिला के शॉर्ट में इतना लिख लो कि एनवायरनमेंट का हिंदी रूपांतरण शब्द जो है वो पर्यावरण होता है, और जो एनवायरनमेंट शब्द बना है, एनवायरनमेंट शब्द किससे बना है, वो बना है एनवायरन से। ये एनवायरनमेंट शब्द जो है वो एनवायरन से बना है। इसका मतलब होता है एनवायरनमेंट को मतलब होता है जो चीज जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, चारों तरफ से घेरे हुए है वह क्या है, पर्यावरण। जो एनवायरनमेंट शब्द है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है।